स्टूडेंट, हमारा जो आज की वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द फैक्टर ऑफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है पार्ट 1 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूले को देख लेते हैं। हमने ये ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और आप जानते भी हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको जो है 2x प्लस जेड को ए की वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ये सपोज कर लें कि ये पूरी ए की वैल्यू है और ये वैल्यू एक है और इनके दरमियान में माइनस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो आए, पहले हम साइड में ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, रेफरेंस के सूरत में हम इसको लिखते हैं। हम यहाँ पे इजिकल टू का साइन बनाएंगे, हमेशा इजिकल टू का साइन बनाया करें क्योंकि ये स्टेप जो है इसके इक्वल होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरी वैल्यू को, सही है, और इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। अब हमने जो है दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, मीन a माइनस बी। देन हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद यही चीज़ रिपीट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ माइनस की बजाय प्लस लिख देंगे। ये पूरा यही वैल्यू लिखनी है हमने, 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बना लेते हैं, 2x प्लस जेड माइनस 2x प्लस जेड। अब स्टूडेंट, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं एक दूसरे के, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि 2x प्लस जेड, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x माइनस जेड। अब हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये जो प्लस जेड है और माइनस जेड है ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, यानी फर्स्ट जो है स्टेप है उसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे है जेड और ये भी है जेड, तो ये क्या हो जाएगा 2z। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास है 2x और 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 4x। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनके कोफिशेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8xz। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व करें, 4a माइनस 9a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5a। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसी तरह से कीजिएगा तो आपको आ जाएगा।